रिक्शा नियंत्रक कसाऊ छत्तीसगढ़ हुआ रवाना। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रवीण अगमकर के पार्थिव शरीर को आज विश्वविद्यालय में पहले लाया गया और उसके बाद अध्यापकों ने नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि दी। इस बीच अध्यापकों में वीसी के प्रति रोष भी देखने को मिला। श्रद्धांजलि के बाद वीसी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मृतक प्रवीण अगरकर के चचेरे भाई ने विश्वविद्यालय के वीसी पर भी अपना गुस्सा निकाला और बोले, अगर आप हमारे गांव में होते तो वहीं आपको जूते मारे जाते। प्रोफेसर प्रवीण अगमकर ने विश्वविद्यालय परिसर में अपने आवास में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी और ऐसा माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय में काम के चलते तनाव और वीसी की तानाशाही रवैया की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वहीं वीसी का कहना है कि उनका किसी भी तरह से उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया था और उन्हें एग्जामिनेशन कंट्रोल के लिए एक असिस्टेंट भी नियुक्त किया गया था। जो आरोप उन पर लगाए गए उन्हें वो निराधार बता रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच के बाद क्या सामने आता है। देखिए सुरेंद्र भाटिया की रिपोर्ट, किस तरह से उसके भाई गुस्सा हुए और किस तरह से नारेबाजी की गई, ये देखिए इस वीडियो में। मेरे गांव में आप होते तो मैं यही आपको जूते मारता, वही वही जूते मारता आपको। अगर मेरे साथ रहना ठीक है, जॉब है आपका, अधिकार बनता है आपके सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करना, फिर उसको टॉर्चर करना, यह किसी अधिकारी का अधिकार नहीं होता है। ये खबरें हमारे घर तक के पहुँचिए। Thank you.